हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फॉर्मूला। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केवीएस रिक्रूटमेंट 2017 के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन अभी हाल ही में रिलीज हुई है और दोस्तों, एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि केवीएस रिक्रूटमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बारे में कि जॉब पोस्टिंग से कहाँ पर हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा, विच इंक्लूड्स एग्जाम पैटर्न, कैसे अप्लाई करना है आपको, कौन सी ये पोस्टिंग्स हैं, कहाँ पे पोस्टिंग्स होंगी और आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि केवीएस है क्या। तो केवीएस जो है, केवीएस स्टैंड्स फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, और ये है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स। ये एक सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एमएचआरडी के अंदर आता है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसके 1000 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर और 3 स्कूल्स जो इंडिया के बाहर भी हैं। इसकी नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुई है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखी जा सकती है, विच इज www.kvsangathan.nic.in। जो नोटिफिकेशन निकली है दोस्तों, वो 546 पोस्ट के लिए निकली है और ये 546 पोस्ट जो हैं, ये तीनों कैटेगरीज में है, पीआरटी मतलब प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे दोस्तों, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए है। काफी स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर बहुत कम जो पोस्ट निकली है अब की बार, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, द रिक्रूटमेंट विल बी मेड इन ये जो स्टेट्स लिखे हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ये इन स्टेट्स की रिक्रूटमेंट के लिए है खाली ये नोटिफिकेशन, और जिस जो ये 546 पोस्ट भरी जाएंगी उनकी जो पोस्टिंग है वो इन स्टेट्स में होंगी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने ही वाली है, 3 अक्टूबर को ये शुरू होगी और 17 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं। 15 दिन का आपके पास टाइम है दोस्तों। ये सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए, मैं फिर से बोलूंगा, जो कि टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं वैकेंसी की डिटेल्स क्या है। तो 3 टाइप की वैकेंसीज हैं, पीजीटी विच इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर विच इज टीजीटी, एंड पीआरटी विच इज प्राइमरी टीचर। जो 182 पोस्ट हैं पीजीटी के लिए, 144 हैं टीजीटी के लिए, और 220 जो है वो है प्राइमरी टीचर के लिए, विच कम्स आउट टू बी टोटल ऑफ 546। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि सर ये जो पोस्ट हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं या फिर सारे कैटेगरीज के लिए मिलाकर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सारी कैटेगरीज के लिए मिलाकर है, चाहे वो अनरिजर्व हो या फिर वो SC ST OBC हो या एक्स सर्विसमैन हो, सभी के लिए ये मिलाकर है। ये वाली अराउंड 50% जो सीट्स हैं इनमें से वो रिजर्व रहती हैं। मैं आपको डिटेल्ड वैकेंसी डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पीजीटी के लिए डिटेल्ड वैकेंसी डिटेल्स दिखाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट हैं पीजीटी में, विच आर हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये 8 सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट निकली हैं पीजीटी में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको एक यहाँ पे चार्ट दिखाया है जो कि नोटिफिकेशन में भी है। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे वेबसाइट पे केवीएस की, तो आपको यही फैक्ट्स और डेटा मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अराउंड 50% ऑफ द सीट्स जो है वो रिजर्व है और 50% जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। टोटल पीजीटी के जो है सीट्स, जो पोस्ट्स हैं वो है 182 अक्रॉस ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। अगर मैं टीजीटी और पीआरटी की बात करता हूं, तो अगेन जो टीजीटी है इसमें टोटल 144 पोस्ट्स हैं, इसमें से 50% जो है 72 जो है वो अनरिजर्व के लिए है और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो भी है 72। तो टोटल बनता है 144, ये 6 सब्जेक्ट्स के लिए है। ये आपको पता रहना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है हिंदी, या तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ्स या साइंस, इनके लिए आपकी ये पोस्ट निकली है टीजीटी के लिए, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो पीआरटी की बात करते हैं, तो पीआरटी में 220 पोस्ट हैं जिसमें से 111 जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, अनरिजर्व के लिए है, और जो बची हुई सीट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, SC ST OBC। अब देखते हैं दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। काफी कंफ्यूजिंग रहा है ये भी स्टूडेंट्स के लिए।
तो पीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं कि मास्टर्स डिग्री जो है वो जरूरी है, मास्टर्स डिग्री इज मैंडेटरी। लिखा है मास्टर्स डिग्री जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी और एमए, ये भी एक तरह से मास्टर्स डिग्री ही है। तो बेसिकली आपको मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और बीएड आपका क्लियर होना चाहिए फॉर पीजीटी। जो टीजीटी है उसके लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और कंसर्न सब्जेक्ट में जो टोटल जो मार्क्स हैं एग्रीगेट वो एटलीस्ट 50% इसमें होने चाहिए आपके। या फिर अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, तब आपके पास सीटेट और बीएड भी क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली या तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, या फिर आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन हो कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपको सीटेट क्लियर करा होना जरूरी है, और प्लस आपका बीएड जो है करा होना जरूरी है ताकि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकें। पीआरटी में 12th और 10th विद 50% ऑफ मार्क्स और सीटेट पास होना जरूरी है, यहाँ पे बीएड जो है वो नहीं चाहिए। तो बीएड जो है वो आपका पीजीटी और टीजीटी के लिए चाहिए, पीआरटी के लिए आपका नहीं चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो डिजायरेबल है इन ऑल द 3 पोस्ट्स, राइट। एज लिमिट की बात करते हैं तो पीआरटी की सबसे कम है मैक्सिमम एज 30, टीजीटी की 35 और पीजीटी की 40। तो आप देख सकते हैं आप जिस एज ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं कि आप एलिजिबल इसके लिए हैं कि नहीं। आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है एज रिलैक्सेशन टू रिजर्व कैटेगरीज एंड एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो वही जैसे SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, OBC को जो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था 3rd ऑफ अक्टूबर है, लास्ट डेट जो है इसकी 17th ऑफ अक्टूबर है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि लास्ट डेट तक की वेट ना करें, और पहले ही काफी दिन पहले ही अगर वो अपना एप्लीकेशन भर लें ताकि कोई टेंशन ना हो एंड मोमेंट पे, और वो टाइमली अपना एप्लीकेशन भर पाए। 15 दिन का आपके पास ये टाइम है, और 3rd से 17 तक आप कभी भी ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे। एडमिट कार्ड जो है वो 10 डेज प्रायर टू रिटर्न एग्जाम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि एडमिट कार्ड जब आउट होंगे हम आपको नोटिफाई करेंगे। और जो रिटर्न एग्जाम है अभी उसकी डेट नहीं निकाली है केवीएस ने, केवीएस एक और नोटिफिकेशन निकालेगा उसके लिए, लेकिन टेंटेटिवली कहा जा रहा है कि ये जो है ये दिसंबर में कंडक्ट होगा। तो आपके पास अभी अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने, कंप्लीट 2 महीने हैं, और उससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 महीने तो एटलीस्ट आपके पास है ही इसकी तैयारी करने के लिए, तो आप आराम से इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए आपको मैं बता दूं कि हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आप अगर केवी संगठन डॉट एनआईसी डॉट इन की वेबसाइट पे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो है इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एंटर ऑल करेक्ट डिटेल्स इन दिस केवीएस प्राइमरी टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2017। आप जो अप्लाई ऑनलाइन है उस पे क्लिक करेंगे, अपना जो रीसेंट आपकी फोटो है सिग्नेचर है वो आप इस पे अपलोड करेंगे। फी आप पे करेंगे, 750 फी है जनरल कैटेगरी के लिए, और कोई फी नहीं है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए। जब आप फी पे कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपका एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 चीजें करनी है फ्रेंड्स। नंबर 1, अपना लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है इसको आपको नोट करके रखना है सेफली, ये है आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सेकेंडली, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक आप प्रिंट आउट लेना है आपको, और प्रिंट आउट जो है आपको ये इस पे आप फोटो लगा के इसको अपने पास सही तरीके से आप रखें इसको, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका तब आप ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने आपको बताया है लिंक केवी संगठन डॉट एनआईसी डॉट इन, इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा नीचे वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है दोस्तों, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, इफ नॉट ही और शी शुड क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो जो इसमें आपका ईमेल आईडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जो जो भी कम्युनिकेशन है वो उस ईमेल आईडी पे होती है। तो मैं एडवाइस करूंगा जिन स्टूडेंट्स के पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है वो पहले ईमेल आईडी क्रिएट करें, उसके बाद वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें। सेकंड
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दो दो स्टेजेस होती हैं इसमें, एक रिटर्न एग्जाम है और एक इंटरव्यू है। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा और जो रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे वो उसको इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की ये है कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो कंबाइंड परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा, जो कि रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में जो कंबाइंड परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फाइनल सिलेक्शन आपका बेस्ड होगा। अब देखते हैं रिटर्न एग्जाम जो है वो किस पैटर्न पे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी पोस्ट की। पीजीटी पोस्ट में दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में आपके जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, 20-20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। पार्ट टू जो है उसमें आपके चार सब्जेक्ट्स रहते हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स और जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है फॉर द पोस्ट। तो 20-20-20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी और करंट अफेयर्स के, और 100 क्वेश्चन होंगे कंसर्न सब्जेक्ट के। तो आप ये देख सकते हैं इसकी वेटेज कितनी ज्यादा है। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उस पर आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका वेटेज 50% है। टोटल मार्क्स हो गए आपके 200, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 200, तो इसमें से जो 100 मार्क्स हैं, 50% ऑफ द टोटल, वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो आपका पीजीटी पोस्ट के लिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट पे काफी अच्छा होल्ड होना चाहिए। इस पूरे एग्जाम के लिए आपको सिंगल ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स मिलते हैं, एक ही साथ ही एग्जाम होगा आपका, एक ही साथ में आपको पूरा का पूरा ये पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट करना होगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। अब देखते हैं टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। जो इसमें भी दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। अगेन पार्ट वन सेम जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो 20 से के इसमें 15 हो गए हैं, 15 15, और टोटल मार्क्स भी हैं 15 15। पार्ट टू में वही सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी और करंट अफेयर्स। तो जो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो यहाँ पे नहीं है। तो फर्क क्या है दोस्तों पीजीटी में और टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट में, पोस्ट एग्जाम पैटर्न में, कि जो पार्ट टू है उसमें टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट में जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 40-40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग, टीचिंग मेथडोलॉजी और करंट अफेयर्स पे, और 15-15 क्वेश्चन होंगे पार्ट वन में हिंदी और इंग्लिश पे। तो टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, विच इज 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे आपको मैं एक कन्फ्यूजन आपकी और दूर कर दूं कि ये जो टीजीटी का एग्जाम है और जो पीआरटी का एग्जाम है, दोनों अलग अलग एग्जाम होंगे। मैंने एक दिखाया है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है वो दोनों का सेम है, लेकिन टीजीटी का इस पैटर्न पे अलग एग्जाम होगा और पीआरटी का इसी पैटर्न पे एक डिफरेंट एग्जाम होगा। इसके बाद बात करते हैं पे स्केल की। तो फ्रेंड्स पे स्केल में ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, आप स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे है। पीजीटी के लिए पे ग्रेड पे स्केल इज 9,300 to 34,800, जो कि ग्रेड पे 4,800 के अंदर आता है। टीजीटी के लिए 9,300 to 34,800, जो कि 4,600 ग्रेड पे के अंदर आता है। और पीआरटी के लिए भी 9,300 to 34,800, जो कि 4,200 ग्रेड पे के अंदर आता है। तो आई होप कि आपके लिए ये सेशन जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। और मैं आपके साथ एक आपके लिए वीडियो भी बना सकता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज जो हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी टीचिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो थर्ड से लेके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड से लेके 17th के बीच में इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ये फिल होगा। और जाते हुए मैं आपसे यही बोलूंगा कि प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।